और मेरी क्या बंगले वाली पिएंगे फिर मिलेंगे, मेरी क्या बंगले वाली पिएंगे फिर मिलेंगे। बंगलिया वाली जो पड़िया वाली, बंगले वाली जो पड़िया वाली, मेरी अनार कली पिएंगे फिर मिलेंगे। साइकिल चले टेढ़ी मेरी टायर करे प्यार, साइकिल चले टेढ़ी मेरी टायर करे प्यार। समझ गया समझ गया। इस थाने में साली भूत बला रहती है, लेकिन साली भूत बला रहती है, आवाज तो हमने बत्तमी चौकीदार को दिया था, ये साला कहां मर गया? कहां हो रे? कहां हो? जय हिंद जय हिंद। रे यहां रे यहां, हम मारेंगे नहीं तुम्हारी आरती उतारेंगे, भाग क्या रे? अंधे हो? नहीं तो दिखाई नहीं पड़ता है, दिखा दी का हमने आवाज दिया चौकीदार कहाँ हो? हाँ ऐसा वहां से भागे, ऐसा वहां से भागे, ऐसा ठोकर मारा यहाँ से वहां। लाठी दूर, गलती हमार नहीं है। तो किसकी गलती है? जब तुम हमका देहु आवाज आवाज तो हम चैला चीरते रहे, हमकर पुरस्कार मामला पता नहीं कौन काम हो, फेंक दे है ना कुर रहे, लाठी भागा दी भागा तेज रहा हमारे ठ्यास लग गए तुम्हारे। लाठी दूर रखो, क्या बता रहे हो? हमने आवाज दिया, हाँ कुर्री को फेंका, फेंक दिया, लाठी को उठाया, उठा लिया, कसके भगे, भगे तुम्हारे ठेस लग गई हमारे ठोकर लग गई। यदि अभी हमारी नाक फूट जाती, फूट जाती, दांत टूट जाते, टूट जाते, वर्दी से जाते, जाते माई चो जाते रह जाते रे, जब मरी जाती हो तो तुम्हारे मेहरुआ कर विधवा पेंशन बनवाई दे। साले यहाँ मरने के बाद हम विधवा पेंशन देखने आते रे, आउते हो चाहे ना आउते बनवाए हम दे। अच्छा अच्छा रे, तेरा नाम क्या है रे? हमार नाव, हाँ हाँ हमार नाव साहेब अहनदेव है। अहनदेव? अहनदेव। तेरे बाप का? बापा का नाव रहनदेव। तेरे बाबा का? बापा का नाव पहनदेव। अहनदेव रहनदेव पहनदेव एक ही राशन साले पैदा हो। दरअसल बात यह है, हमारे घर में पुजारी सब बहुत हैं। अच्छा, तो जौन नाव है सब देव है तेरे हैं। अच्छा। हमार देखो अहनदेव और बापा का रहनदेव, बाबा का पहनदेव। जब साले एक रात से पैदा हो तो ऐसे ही नाम पड़ेंगे। जी सार सारा बता रहे हो? जी सर कहा जाता है? हाँ जी सर। सर रे हलक में लठिया ठांस देंगे तेरे। रे हाँ एक बात ये बता रहे काय? घड़ी तो हमारी कहीं गिर, घड़ी टूट गई, घड़ी टूट गई, टूट गई है ना। हाँ एक बात ये बता रहे, ड्यूटी का समय हो गया है। हाँ और कोई कर्मचारी नहीं दिखाई पड़ रहे हैं? अभी कोई नहीं है थाने में, पहले ही आप ही आ। जय जय आई लव यू, आई लव यू बता रहे हो रे? आए जय हिंद करो करो रे, तेरी औरतिया है क्या? जय हिंद। हाँ एक बात बताओ रे, एक पॉइंट ज्यादा आगे बढ़ो क्या है? रे गुड मॉर्निंग क्या होता है? सुबह सुबह, सुबह सुबह कहा जाता है गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग और क्या गुड मॉर्निंग? मॉर्निंग मॉर्निंग बता रहे हो? मॉर्निंग कितने से नौकरी करता है रे? ये थाने में ही है। हाँ तो ज्वारे का परी जोड़ घटाना लगाता है क्या? अब है बता रहे, बताओ रे। अगहन अगहन वर्षी, अगहन अगहन वर्षी छे वही तीन
छह दिन नौ हाथ सिलवावा एक 90 साल हो गई साहेब, पूर 90 साल हो गई। और उम्र? अब 24 साल के भय है ना। नौकरी करता है रे 90 साल से, और उम्र तेरी 24 साल की, इसके मतलब क्या है? मतलब ये हो अब बताओ रे साहेब, समझे के कोशिश करो। बताओ रे, जौन हमारे बाबा रहे, हाँ? बाबा हमारे पहले साहेब, बल्लू हवलदार के पीछे कर रहे होंगे नौकरी रे। तुम्हारे बाबा हमारे पीछे कर रहे थे? नहीं है, थाने में तो साले थाने को एक्शन इशारा क्यों कर रहा है रे उधर? चलो बताओ रे साहेब, जब हमारे बाबा छाड़ी दे रहे तो बप्पा हमारे, फिर वही बात रे। अरे एक बार यह थाने में है तो थाने की बात बताओ रे। इधर तो बताओ, एक्शन इशारा नहीं होना चाहिए। यहाँ रे, यहाँ एक बात और हमारी सोच ले, अगली बार एक्शन इशारा हो गया तो थाने के अंदर तुझे हम पटक पटक के मारेंगे, तरवा प्लेट कर देंगे हम लोग रे साहेब। हाँ। जब बप्पा हमारे बुढ़ाई गए, हम तो कहीं भैया, हम कहीं कहा बप्पा, कहीं भैया हमारी बुढ़ापा की अवस्था आई गए। अच्छा। कहीं बेटा बुढ़ापा पर काम धंधा नहीं सधते, कहीं भैया काम धंधा का सद है, अब बुढ़ापा पर हाली सूद ही नहीं होता। कमर का ना पहले लिया करो ना अलग बदतमीज कहीं का, करिहाओ कह दे बप्पा, करिहाओ झोंका बड़ा घाम वाम लागत तब सूद होते हैं। इसके मतलब लगातार बराबर ही सकल नहीं अच्छी तो बात अच्छी किया करो रे। अगली बार एक्शन इशारा हो गया तो थाने में उल्टा लटका के तुमको हम तरवा प्लेट करेंगे। दूर से बात करो रे, लठिया कहाँ है रे? लठिया तो है सापा रे, तुम यार बहुत ढोंगी हो, कुर्सी लागी तो फर्श पर काहे लोट रहे? देखे नहीं पन तो साहब का नाखून निकली, खोल के करा करो रे, कोई काम करते हो रे साहब? चलते हुए क्या बतला दे, मेरी हाथ पांव हमारे चला करते। हाथ पर एक जगह, लठिया भी एक जगह होनी चाहिए। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, सॉरी बता रहे हो रे? लाठी है, लठिया है, साफा ये है। ये साले कमर में साफा नहीं बांधा जाता है। अरे साहेब चैला चीरते तब है बांध ले, डारी हम हूँ लेके। तो ये जिस प्रकार से साफा डाला जाता उसी प्रकार से साफा डाल के तो साहेब, साफा डरी वाला लाठी काम तो है नहीं। कौन सा काम है रे? लाठी कोई काम नहीं, लठिया कोई काम नहीं है रे। तो लियो लाठी, शीशा लगे है रे, शीशा लगे है, टूट जाएंगे रे। रे बदतमीज कहीं के, ये ताले वाले शीशा लगे हैं, एक भी ऑफिस का टूट गए तो सोच लो ना। अब है ऑफिस का शीशा टूट गए रहे। अच्छी प्रकार से नाम आए, कौनी हाओ, कौनी हाओ, लेडीज दिखाई पड़ रहे हैं। कौन हो? कौन? हमारा नाम है कालिका प्रसाद, कल्लिकर प्रसाद, कल्लिका जलम हुआ है हमारा। क्या बता रहे? कालिका प्रसाद, कालिखा, कालिखा नहीं रे, कालिका प्रसाद, कालिका प्रसाद जी। आप वक्त में लाई पाए क्या रे? नाव साहेब, नाम का नाम पहले लिया करो रे, और साफा डाल के जरा बताओ। आप लोग बताइए, कहाँ बप्पा मरी गए चौदऊ? अब रो रहे हो, तुम
हमसे बता रहे तुम, हमसे बता रहे हो, फांसी गए हैं बप्पा। चलो डालो सफर, सोच लेना। अरे छुई ना दे भाई जो बना चटैगारी दे भाई। देबा जो बना चट्टे गारी देबा, ऐसा भुके डाले हो साफा जाए पिसाए के साले, पिसाए के जमील हिजरा लग रहे हो। अदा देखो, अदा देखो, ये तुम्हारी अदा जो है दो दिन क्वार्टर पे। अरे यार बप्पा ऐसा ही बताइए, ये इस प्रकार से लड़की रुपट्टा डालती, उसी प्रकार से साफा डालते हो रे। चलो आज हम बता रहे किस प्रकार से साफा डाला जाता है। अरे भाई कालिका प्रसाद, अरे इस बदतमीज को बता दो यार साफा कैसे डाला जाता, क्योंकि ये साला अपने बाप को जगह पे आया है। प्रकार से साफा भाई बात है, बप्पा फांस ही गए हमका, नीक नीक नौकरी हम छोड़ी दे। मैं कहा नौकरी करना चाहता था, नौकरी करना चाहता यह चौकीदारी का है। नौकरी हमारे पहले जल सेना में लगा रहे, जल सेना में, वह सेना जब समुद्र के अंदर पानी में लड़ाते हैं तो जल सेना में लगती थी नौकरी, तो बहुत चौकीदारी क्यों किया रहे हैं। पानी वाले जहाज हम लगा रहे, मैं कोई ज्यादा काम नहीं रहा। नौकरी तो बहुत अच्छी थी रे तेरी, कोई काम ज्यादा नहीं रहे। फिर कितना काम था रे? काम बस इतना रहे, जब पानी वाला जहाज समुद्र में चलत चलत रुक जाते, अच्छा हमका उतरी को मैं धक्का लगावा कर रहा है। बहुत बड़े बहुत दिमाग की हो। तो जहाज रुक जाता, समुद्र में जहाज रुक जाता, उतर के धक्का लगाते, तो उससे पहले बदतमीज कहीं का डूब के ये वो करे नहीं रहा। अरे चलो आज हम अरे मैं तुमसे पूछूं बानरे जामा कहाँ पाए, मैं तुमसे पूछूं बानरे केरी बहने केरा नानी केरा फूफू केरा जीजी केरा मौसी केरा यार हो को रावण रखे मादर चोद, हम साफा डाल रहे हैं कि फेटा डाल रहे हैं? हम कई पहरावन लाए हैं। हाँ हम तुम्हारे जीजा फूफा हैं, फेटा कन्हावर लाए हैं और बनरा गीत सुना रहे रे। अब साले लठिया ढूंढ रहे हो, अब लठिया उठाओ गेट की ड्यूटी करो। क्यों? हाँ चुदबंग लाओगे? चुदबंग पुड़िया, पुड़िया खवाओगे? हाँ। वो चुदबंग नहीं रे, दबंग उसे बोलते हैं। हाँ, दबंग वो नहीं खाते हैं रे। उरे उसे संजोग पुड़िया बोलते हैं, निरोध नहीं बोलते हैं रे। उसकी कंपनी भी बंद हो गई, पुड़िया भी बंद हो गई, उसकी कंपनी भी बंद हो गई है रे। अब हम लोग अब हम खाते हैं कमला पसंद, तुम्हारी मेहरुआ हमका खुदा ही पसंद है, नहीं तो कोई हमारी कमला तुमका पसंद है। उरे उरे आगे बढ़ो रे, आगे बढ़ो। अब हमें बड़े साहब कमला पसंद पुड़िया की बात कर रहा है, तू किसकी बात कर रहा है रे? कमला पसंद कोई पुड़िया है? हाँ हाँ, हम कही हमारी दुल्हन कहते हैं। हेलो, ये आगे हमारे भाई साहब श्रवण देवदिया निवासी, 10 रुपए जोकर मास्टर के लिए दिए हैं, भाई साहब को धन्यवाद। अरे तुम
बात बताओ यार, क्या हुआ क्या यार? क्या यार, आज जब घर से हम निकले ड्यूटी करने के लिए, अच्छा जब शांतिनगर चौराहे पे हम पहुँचे तो सोचा यार एक भाई हम पान खा ले। हाँ हाँ। और आप तो भाई जानते हम पान के बहुत शौकीन है ना। हाँ। पान वाले से बोला भाई चाब एक हमारे लिए पान लगाओ। हाँ। पान वाला पान लगाने लगा। पान वाला पान लगाने लगा। जब पान लगा दिया, पान लगा दिया, तब तक एक मैडम साहब, एक मैडम साहब वो भी चरपहिया गाड़ी से सू कर गया। दुकान के पास आ गई। उसी दुकान के पास आ गई। हाँ? मैडम साहब ने पान वाले से बोला कि भैया जरा हमारे लिए दो सादे पान लगा दो। पान वाला पान लगाने लगा। फिर जब पान लगा दिया, हाँ? मैडम साहब गाड़ी के बाहर निकली। अच्छा। तो यार उसमें इतना अच्छा साला गाना बज रहा था। अरे फिर कितना अच्छा गाना बज रहा था यार। अरे इतना अच्छा साला गाना बज रहा था। हाँ? साली धातिया हमारे पीछे पड़ी है। धातिया पीछे खींच दे। अबे बदतमीज कहीं का, तो दिमाग के पीछे पड़ी है, तुम उसके पीछे देख रहे हो। दिमाग के पीछे और क्या, उसके पीछे पड़ी है। हम कोई पीछे आए क्या, समझे फर्क हमारे दिमाग के पीछे पड़ी है। समझ गए यार भालू, भालू हवलदार। यार भल्लू हवलदार, हाँ। जब इतना अच्छा गाना बज रहा था तो उसमें मैं की एक दो कड़ी याद किया के नहीं यार। यार एक ही कड़ी तो याद कर पा। तो यार एक ही कड़ी में तो मजा आ जाएगा यार। हाँ। तो सुना यार जरा, याद किया हो सुना दे। हाँ यार, तुम तो गाना सुन के आए हो, हम तो सुने नहीं है। तुम तो कहा दे हो सुना दो फिर। लेकिन साहब गाने का समय हो रहा, अभी आधा घंटा बाकी है यार। आधा घंटा बाकी है। हाँ, तले तो मनोरंजन भी हो जाएगा साथ ही साथ। चौकी दरवाजा सुनाओ सुनाओ सुनाओ। हम साहब को इधर से देखते रहेंगे। इधर से देखते रहना। यस सर, यस सर, ठीक देखते रहना रे। रे यस सर, देखो देखो देखो। शुरू करो शुरू करो साहेब, का हम देखे ना है। हाँ हाँ, शुरू करने जा रहे हैं। अबे क्या हो गया, क्यों रो रहे हो रे? याद आएगी, याद आएगी सर। हमारे को पड़वा साहब ने बबाई बबाई मरी गवा रहा है। गाना का सुर मिला रहे, तुम पड़वा की बात बता रहे हो। बबाई ये सुर मिला रहे, अरे हम कहीं बबाई रहे। अरे मेरी क्या बंगले वाली पिएंगे फिर मिलेंगे, मेरी क्या बंगले वाली पिएंगे फिर मिलेंगे। बंगलिया वाली जो पड़िया वाली, बंगले वाली जो पड़िया वाली, मेरी अनार कली पिएंगे।
की रोटी कच्ची रोटी डब्बू भरी दाल, जेल की रोटी कच्ची रोटी डब्बू भरी दाल, थाने वाले चल चबल खिलन वाला तरल। क्या हो रहा था ये सब थाने के अंदर? पिछले साहब आप ही का इंतजार हो रहा था, हमारा इंतजार हो रहा था, या साले गाना बजाना हो रहा था। ओ, ये गाना बजाना थाने के अंदर हो रहा था। अरे वो भल्लू हवलदार सुना रहे थे। कहाँ है भल्लू हवलदार? बोला के लास्ट साले को किसी दे किसी हमसे पूछ रहे। बोला के लास्ट हमारा इंतजार हो रहा था जी साहब, या थाने के अंदर गाना बजाना हो रहा था? वो चौकीदार साले थाने को भड़वे के चौपाल बना रखे हो। अरे नहीं साहब, चौकीदार कह रहा था कि जब तक साहब नहीं आते तब तक कुछ मनोरंजन हो जाए। चौकीदार कह रहा था जी साहब। बोला साले चौकीदार को बातचीत हो रही थी। यह थाने के अंदर साले गाना बजाना हो रहा था। हमारी गलती नहीं है। तेरी गलती नहीं है? सब गलती भालू के। यार और ये कौन सा गाना हो रहा था? जेल की रोटी कच्ची रोटी डिब्बू भरी दाल, खाने वाली छल छबीली खिलाने वाला तेरे यार मेरी जा बगले वाली। आज के बाद थाने के अंदर कोई भी मनोरंजन हुआ तो समझ लो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। एम सॉरी सर, आज के बाद समझ गए? हाँ साहब, हम आप ही के रास्ता देख रहे हैं। हमारी रास्ता देख रहे थे? हाँ साहब। क्यों? हमारी आज छुट्टी लगाए दो। साहब जरूरी काम होने छुट्टी मंगवा हम नहीं करी दे। ऐसा कौन सा तेरा जरूरी काम पड़ गया साहब? हमारी ससुरारी माँ जो हादसा बहुत बड़ा होगा। कैसा हादसा रे? हमारे ससुरारी में साहब चारी मेहरुआ एकदम में ही मरी गई। आज खत्म हो गई तेरी ससुरार में? वह पता हुआ रहा है, जाना जरूरी है। मर गई है? हाँ साहब। क्या बता रहा? हाँ साहब, हमारे लौंडन करी नानी मरी गई है। लौंडों की नानी? हमारी सास मरी गई है। दुल्हनी करी अम्मा मरी गई, बप्पा करी समधनी मरी गई। चारी मरी है? चारी मरी। क्या बताए हो चौकीदार? हाँ साहब, तेरी ससुराल में चार औरतें मरी है। यकदम्मा ही मरी है साहब। मनमाना हूँ, मनी हो है नहीं। क्या बता रहा? चार औरतें मरी है? चारी मरी है। तेरे लड़कों की नानी या तो हुई गई, तेरी सास दुई, और तेरे बाप की समधन तीन हुई गई, तेरी औरत की माता जी। तो चारी नहीं भाई ये सौले। चारी ये चार औरतें नहीं मरी हैं, ये औरत एक मरी है। एक औरत से ये चारों नाते जुड़े हुए हैं। मतलब मेहरुआ याक मरी है, नाता चारी है। और तू क्या समझता है चार औरतें मर गई हैं? तो याक महुआ का ले जाइए। और कालिका प्रसाद का उठाने का समाचार सब ठीक है? सब ठीक है साहब। बैठिए साहब।